टॉपिक है आज इंडियन ह्यूम पाइप। इस स्टॉक पे हमारी नजर है जो कि मेनली कंक्रीट पाइप बनाने वाली कंपनी है और इस शेयर में थोड़ा सा जो इनका बिजनेस मॉडल है, जो प्रोडक्ट है वो अलग है। देखिए, ये कंक्रीट पाइप बनाते हैं, हम आमतौर पर मेटल पाइप वाली कंपनीज की ज्यादा बात करते हैं। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में होता है। इनके बायर्स कौन हैं, इनके इनके जो सेक्टर्स हैं जहां पे इनका इस्तेमाल होता है, देखिए वाटर सप्लाई के लिए किसी भी शहर में जो पाइपलाइंस डाली जाती हैं उनमें इनके पाइप का इस्तेमाल होता है। इरिगेशन, जिस पे लगातार एक फोकस बना रहता है सरकार का, केंद्र की हो या राज्य की, और खासतौर पर इलेक्शन के समय में इरिगेशन के प्रोजेक्ट में इनके पाइप का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ड्रेनेज के लिए शहरों में इनके पाइप का इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ ही साथ पावर जनरेशन कंपनीज और रेलवेज भी इनके पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेंज है उन इंडस्ट्रीज की, उन सेक्टर्स की जहां पर इस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो फायदा इनको मिला है, जबरदस्त उछाल देखा है हमने कंपनी के कारोबार में। इस क्वार्टर के नतीजे अगर आप देखेंगे तो करीब 250% से मुनाफा बढ़ा था, 30 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था। आमदनी आप देखेंगे 94% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो 416 करोड़ पे पहुंचती हुई नजर आई थी। और एक और खबर आपने सुनी होगी, अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिला दूं, 15 एकड़ जमीन है इनकी पुणे में और वो डेवलप करने के लिए इन्होंने जो टाइप किया है वो किया है कल्पतरु ग्रुप के साथ। और कल्पतरु ग्रुप आप जानते हैं, आप किसी भी शहर में रहते हो जहां भी इनके प्रोजेक्ट हैं, शहर का सबसे शानदार A1 प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये एक और एडिशनल किक है जो आप कह सकते हैं कि आपको देखने को मिल सकती है स्टॉक के लिए, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एक तेजी का रुझान है। कुल 20 के करीब फैक्ट्रियां हैं, 100 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो इस समय चल रहे हैं। और देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, नतीजे अच्छे आए हैं जिन कंपनीज के, मिड कैप स्पेस में हम उनको चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और स्ट्रैटेजी ये कि थोड़ा ठंडा करके खाइए, नतीजे आने के बाद बढ़ गया था, कंसोलिडेट हो गया, अब इस लेवल पर कंसोलिडेशन के बाद कमाई के लिए सबसे बेहतरीन मौका दिखाई देता है। अपने हाई से बहुत नीचे आया है, लेकिन इस वक्त जो हम लेवल देख रहे हैं करीबन 15-16 के पी के आसपास मुझे दिखाई देता है। और उस लिहाज से अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूं सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ वैल्यूएशन और इनका अपना हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखूं, तो 370 तक के इमीडिएट टारगेट हमें इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रेडर्स इस पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन निवेशकों के लिए यहाँ पर 450 रुपये तक के भी टारगेट बनने की पूरी संभावना नज़र आती है, जिस तरह का परफॉर्मेंस हाल के दिनों में इस स्टॉक ने दिखाया है। स्टॉक पे वागले साहब क्या व्यू है?